हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आनंद और आपका स्वागत है हमारे चैनल पटना ब्लॉगर्स में। और हर बार की तरह फिर से मैं आपको बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार से टॉपिक पे वीडियो बना करके दिखाने लेके जा रहा हूं। आज के हमारे वीडियो का टाइटल बड़ा ही शानदार है। आज हम आपको बताने लेके जा रहे हैं कि बहुत ही जल्दी जो है मोइनुल हक स्टेडियम का रीडेवलपमेंट होने वाला है। उसकी डेट क्या है, किस डेट को ये रीडेवलपमेंट का काम शुरू हो जाएगा, वही मैं आपको बताने लेके जा रहा हूँ। इसके पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि हम यूँ ही ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पर आपको वीडियो बना करके दिखाते रहें। तो बहुत ही शानदार खबर है। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता ही है मोइनुल हक स्टेडियम बिहार का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का क्रिकेट स्टेडियम है, परंतु जैसा कि आपको पता ही है पिछले 15 साल से स्टेडियम बदहाल पड़ा हुआ है। एक ज़माना था जब यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस होते थे। यहाँ पे जिम्बाब्वे और केन्या का इंटरनेशनल मैच 1996 के वर्ल्ड कप का ऑर्गेनाइज्ड हुआ था यहाँ पे। और बहुत ही शानदार बहुत ही बड़ा ये स्टेडियम किसी ज़माने में था, पर अब इस स्टेडियम की बदहाली तो आपने देखा ही होगा। अभी हाल फिलहाल में रणजी मैच हुआ था जिसमें आपने इसकी बदहाली तो देखी होगी। तो अब ये खबर आई है कि बिहार सरकार ने फैसला कर लिया है कि अब इसको BCA को दे दिया जाएगा। बिहार सरकार के द्वारा मोइनुल हक स्टेडियम को, जो बिहार का इकलौता इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, इसको BCA यानी कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को सौंप दिया गया है। और ये स्टेडियम जो है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को लीज़ पे दे दिया गया है। और अभी यहाँ पे बैठने की कैपेसिटी जो है लगभग 28,000 व्यूवर्स की है, जिसको बढ़ा करके 42,500 किया जाएगा, ऐसा BCA के द्वारा बताया गया है। BCA ने मोइनुल हक स्टेडियम को गवर्नमेंट से लीज़ पे एक्वायर कर लिया। ये स्टेडियम जो है अब रीडेवलपमेंट का काम यहाँ पे शुरू होने वाला बहुत ही जल्दी। BCA के प्रेसिडेंट राकेश कुमार तिवारी ने अपना आभार व्यक्त किया है CM नीतीश कुमार को और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स को। और खबर है कि इस साल के लास्ट तक जो है इसके रीडेवलपमेंट का काम जल्दी शुरू किया जाएगा। इसके रीडेवलपमेंट का काम जो है वो BCA BCCI के साथ मिलकर के करेगा और फ्यूचर में 2026 तक यहाँ पे IPL और भी बहुत सारे रणजी मैचेस तथा जो है इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट मैचेस को ऑर्गेनाइज किए जाने की यहाँ संभावना है। यही खबर है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे आप।